रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने 22 स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण और मरम्मत के लिए मरम्मत के लिए न्यास निधि से 33 लाख रुपए देने की घोषणा की। सोशल मीडिया पर धन सिंह रावत को लेकर चल रही अफवाहों पर मंत्री ने कहा कि ये विरोधियों की साजिश है। लोग हमारे मुख्यमंत्री जी के उससे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, इसके कारण कुछ लोगों ने इसको अफवाह चलाई थी और मैंने उसका विधिवत जो है खंडन किया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, हमको भी मार्गदर्शन देते रहे कि ऐसा काम करना है। और कुछ हमारे प्रतिद्वंदियों ने या ये मान के चलिए कि जो हमारे विरोधी लोग हैं उन्होंने इसको जो है प्रोपोगंडा। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने 22 स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण और मरम्मत के लिए लोग हमारे मुख्यमंत्री जी के उससे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, इसके कारण कुछ लोगों ने इसको अफवाह चलाई थी और मैंने उसका विधिवत जो है खंडन किया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, हमको भी मार्गदर्शन देते रहे कि ऐसा काम करना है। और कुछ हमारे प्रतिद्वंदियों ने या ये मान के चलिए कि जो हमारे विरोधी लोग हैं उन्होंने इसको जो है प्रोपोगंडा। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने 22 स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण और मरम्मत के लिए लोग हमारे मुख्यमंत्री जी के उससे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, इसके कारण कुछ लोगों ने इसको अफवाह चलाई थी और मैंने उसका विधिवत जो है खंडन किया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, हमको भी मार्गदर्शन देते रहे कि ऐसा काम करना है। और कुछ हमारे प्रतिद्वंदियों ने या ये मान के चलिए कि जो हमारे विरोधी लोग हैं उन्होंने इसको जो है प्रोपोगंडा। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने 22 स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण और मरम्मत के लिए लोग हमारे मुख्यमंत्री जी के उससे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, इसके कारण कुछ लोगों ने इसको अफवाह चलाई थी और मैंने उसका विधिवत जो है खंडन किया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, हमको भी मार्गदर्शन देते रहे कि ऐसा काम करना है। और कुछ हमारे प्रतिद्वंदियों ने या ये मान के चलिए कि जो हमारे विरोधी लोग हैं उन्होंने इसको जो है प्रोपोगंडा